जो जुनाइल्स होते हैं वो किस टाइप के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं? एक्चुअली देखो, जो बच्चा नेगलेक्टेड है या जो बच्चा क्राइम में इन्वॉल्व है, उन दोनों में कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि जो बच्चा इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन है, उसको प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिली है, एजुकेशन उसको नहीं मिली है, प्रॉपर उसकी केयर नहीं हो रही है। दूसरा, जो बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका रीजन भी वही है कि उनकी एडुकेट पेरेंटिंग नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो एजुकेशन दिलवा सकें, या जहां बच्चे रहते हैं वहां इस तरह का एनवायरमेंट है जहां कोई गलत काम करने को गलत नहीं समझा जाता, वो उनको एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड ही मान लिया जाता है, तो बच्चे उस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो तो सर इनके ये जो सब रीजन है जी। ये सर रीजन के साथ साथ किस टाइप के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस तो ये हो गए खैर, और किस टाइप के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं इनके, मतलब एंगर ज़्यादा होता है या डिप्रेस्ड होते हैं या किसी और टाइप के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, किस टाइप के वो ज़्यादा देखने को मिलता है? जो मेरा अनुभव है, जो मेरा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि एक बच्चों में एंगर बहुत होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। आजकल के बच्चे बाकी लोगों को देखते हैं, जो बाकी साधन जुटा पाए हैं या पढ़े लिखे हैं, तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, या पेरेंट्स उनके फादर या मदर किसी की डेथ हो गई है, या उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो उनको एक प्रॉपर लव एंड अफेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इन बच्चों में एक जो साइकोलॉजी में है एडीएचडी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये बहुत पाई जाती है। एक एडिक्शन की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत पाई जाती है, वो प्रॉपर पेरेंटिंग ना होने की वजह से किसी किसी नशे में पड़ जाते हैं। जब नशे में पड़ जाते हैं तो उसके बाद वो फिर उस नशे की आदत को पूरा करने के लिए कहीं पेटी ऑफेंसेस में, चोरी में, इस तरह के इन्वॉल्व होने शुरू। ओके कई बच्चों में सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, जिसके लिए उनको कई बार हॉस्पिटल में भी हमें रेफर करना पड़ता है।